किया गया तो उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से इस्लाम धर्म अपनाकर इस पूरे शासन सत्ता में सहयोग देकर राज कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो दूसरी शर्त थी वो बहुत ही कठोर शर्त थी। वो शर्त ये थी कि यदि आप इस्लाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अपने उन भाइयों के बारे में जिनको चमार जाति का कहा जाता है। आज हम जानेंगे चमार वंश के उस इतिहास के बारे में जो हमसे छिपाया गया और बताया गया और जिसको हमें ये समझाया गया कि हमारे ही हिंदू भाइयों ने अपने ही भाइयों पर बहुत सारी प्रताड़नाएं करके इनकी आज ये सामाजिक हालत कर दी है। लेकिन दोस्तों अगर आप जानेंगे कि चमरवंशी क्षत्रियों का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। आप ये उसी वंश के क्षत्रिय हैं जिसमें संत रविदास गुरु हुआ करते थे और उस गुरु के पास स्वयं क्षत्रिय वंश के राणा सांगा जाकर दीक्षा लिया करते थे। तो दोस्तों ना ये कभी से छूत अछूत या फिर नीचे जात के कहे जाने वाले, हिंदू समाज में इनका कोई ऐसा स्थान नहीं रहा है। इनको छूत अछूत बचाने वाले यदि कोई रहे हैं तो वो खुद उस समय के सम्राट सिकंदर लोधी जो उस समय दिल्ली के तख्त पर काबिज हुआ करते थे। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि सिकंदर लोधी वो व्यक्ति है जिसने 1450 ईस्वी में भारत पर राज किया और चमरवंशी क्षत्रियों को कन्वर्ट करके चमार जात में किया और किस प्रकार किया मैं उस घटना को आगे बताता चलूंगा। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सिकंदर लोधी वही है जिसने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी वही है जिसने मजारों इवन मंदिरों में लोगों को जाने से रोका और बहुत सारी पूजा पद्धतियों को रोक दिया, यमुना नदी की पूजा पर रोक लगाई। सिकंदर लोधी वही है जो 1450 की ईस्वी में भारत के तख्त पर काबिज था। सिकंदर लोधी ने उस समय क्या किया मैं आपको आगे बताता हूँ। सिकंदर लोधी के पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसको वो अपना सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मानता था। उसने उस व्यक्ति यानी कि सदना कसाई को बुलाया और अपना फरमान जारी किया और कहा जाकर के महाराष्ट्र में रहने वाले रविदास के पास जाइए। गुरु रविदास का परचम उस समय शिखर पर था और उन्होंने वो जानते थे, सिकंदर लोधी जानता था कि यदि गुरु रविदास को मैंने इस्लामिक धर्म अपनाने के लिए कह दिया और उसने रविदास ने ऐसा कर लिया तो फिर इस पूरे हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से इस्लाम धर्म को इस्टेबल किया सकता है। इसी मंशा के साथ सिकंदर लोधी ने 1473 के आसपास सदना कसाई को संत रविदास के पास भेजा और संत रविदास के सामने उसने अपना प्रस्ताव रखा। संत रविदास ने भी चतुरता के साथ सदना कसाई से कहा कि मैं भी आपसे एक प्रस्ताव देता हूँ, क्या क्यों ना इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना धर्म बताएं और एक दूसरे के धर्म को जानें। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संत रविदास ने जब सनातन धर्म की सारी गुण विशेषताओं को सदना कसाई को बताया तो सदना कसाई इस्लाम धर्म छोड़कर स्वयं हिंदू बन गया और स्वयं रविदास का शिष्य बनकर हिंदू धर्म का आगे बढ़ाने लगा। ये सूचना जब 8-10 महीनों बाद पुनः सिकंदर लोधी को पहुंची, क्योंकि पहले जो संचार का माध्यम था वो बहुत सीमित था और ये संदेश आज बहुत देर में पहुंचते थे। जब 6 महीनों बाद सिकंदर लोधी को ये जानकारी हुई तो उसने कहा जाओ और चमरवंश क्षत्रियों के ऊपर हमला कर दो। चारों तरफ से उसने अपनी सेनाओं से उस राज्य को घेर लिया और सारे चमरवंशीय क्षत्रियों को उठाकर कारागार में डाल दिया। वहाँ लाने पर चमरवंशीय क्षत्रियों को जब राज दरबार में पेश किया गया तो उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से इस्लाम धर्म अपनाकर इस पूरे शासन सत्ता में सहयोग देकर राज कर सकते हैं। तो दूसरी शर्त थी वो बहुत ही कठोर थी और उस शर्त में ये था कि यदि आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं तो आपको मरे हुए जानवरों का खाल उतारना पड़ेगा, वो भी आजीवन। ऐसा करने के लिए सिकंदर लोधी ने चमरवंशियों को मजबूर किया और चमरवंशियों ने हंसते हंसते वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। ये वो क्षत्रिय हैं जिन्होंने अपनी मान मर्यादा और सामाजिक हनन को झेला फिर भी अपने आप को हिंदू बनाए रखने के लिए खड़ा रखा है। तो मैं ऐसे चमरवंशी क्षत्रियों को नमन करता हूँ। हम हर सभी हिंदू भाइयों को ऐसे अपने भाइयों को नमन करना चाहिए और जो आज सामाजिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं उनके साथ रहना चाहिए। मैं भी बचपन से जब भी घूमने निकलता था तो मेरे दिमाग में ये बात होता था कि किस सन में ये घटनाएं हुई जब इनका सामाजिक खनन हो गया। मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था, इसी वजह से मैंने आगे का अध्ययन बढ़ाया और इस वजह से मैंने जातियों के इतिहास पर चैनल बनाया। मेरे दोस्तों ये घटना मुझे जब भी मैं इतिहास में पढ़ता हूँ तो मुझे झकझोर कर रख देती है। मुझे लगता होगा कि आप सबको भी ये घटना जाननी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक बस आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।